हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक फिश फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस प्रेजेंट है कि नहीं है। सपोज़ ये कोई क्रोमोसोम है जिसमें हमें डिटेक्ट करना है कि विटामिन B12 बनाने वाला जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमारे पास एक प्रोब होना चाहिए। प्रोब मतलब वो नोन जीन ऑफ सीक्वेंस जिसके अंदर विटामिन B12 बनाने वाला पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है, उसको हम लाइसिस करते हैं, देन उसमें फ्लोरोसेंट जो मटेरियल होता है वो डाला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो जीन के अंदर वो फ्लोरोसेंट मटेरियल ऐड हो जाता है। इसका डीनेचुरेशन करते हैं, उसके बाद उसका जो कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड है दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो जो हाफ पार्ट ऑफ जीन है वो जाके क्रोमोसोम है जिसके अंदर हमें डिटेक्ट करना है कि दैट पर्टिकुलर जीन ऑफ सीक्वेंस प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको डीनेचर्ड करेंगे। डीनेचर्ड करने के बाद टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड दोनों अलग हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम वो प्रोब डालेंगे, प्रोब जाके अटैच हो जाएगा उस सीक्वेंस से जिसमें वो विटामिन B12 या पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ जीन प्रेजेंट अगर होंगे तो उससे जाके अटैच हो जाएगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं अटैच होगा। अगर हो जाएगा तो हम उसको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी करके पता लगा लेंगे कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर होगा तो डिटेक्ट करेगा, शाइनिंग दिखेगी, नहीं होगा तो नहीं दिखेगी।